आज मैं वापस से आ गया हूँ हमारी प्यारी सपनों की दुनिया मतलब कि माइनक्राफ्ट में। और आज हमारा गोल है एक सर्वाइवल बेस बनाना जिसमें कि हमें सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए, जैसे कि खाना पीना, सोना, हमारी चीजों को रखने की जगह, हगना, मतलब कि सब कुछ जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। सो लेट्स बिगिन। ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इस जगह को थोड़ी ज्यादा अच्छी खासी कर ली है ऑफलाइन वर्क करके। और यहाँ पे देखो अपना बिस्तर विस्तर भी है। और ये जो दो छेद दिख रहे हैं ना, ये छेद सीधा अपने ये माइनिंग एरिया तक जाते हैं, मतलब कि इन फ्यूचर में यहाँ पे ऑटोमेटिक लिफ्ट बनाने वाला हूँ जिससे कि इजीली ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस बोले तो एकदम ना के बराबर है, पत्थर बहुत ज्यादा है लेकिन लकड़ियाँ बहुत कम है। तो इसलिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज के लिए। और फिलहाल के लिए मैं अपने खाने को इधर पे पकाने के लिए रख दिया है क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ बहुत बड़े एडवेंचर पे। और लगे हाथ में सोच रहा हूँ ना एक डायमंड की एक्स बना लेते, रुको यहाँ पे ना एक चेस्ट बना लेते। और ये चेस्ट में ना हम वो सारी चीजें रख देते हैं जो हमें हमारे बिल्ड में काम आने वाली है। और मेरे पास ये 58 है यार। ऑलराइट, तो मेरे पास एक शील्ड आ चुकी है और बहुत सारी एक्स, एक पिकेक्स, साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा खाना और एक वाटर बकेट। मैं अब फुल्ली रेडी हूँ अपने एडवेंचर के लिए। आपने अगर पहला एपिसोड देखा है ना तो आपको याद ही होगा कि इधर पे एक बहुत मस्त सा जंगल है और इस साइड पे ना एक चेरी बायोम है, क्योंकि पिंक कलर की वुड भी अपने साथ रखेंगे। वैसे भी वो बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मस्त लगती है। अब बारी है यहाँ के पेड़ों को हलाल करने की। भाई कितनी मस्त बायोम है, लेकिन आज हम यहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ लेके जाने, कम से कम 4-5 स्टेक तो आज हम चेरी बायोम की लकड़ियाँ लेके ही जाने वाले। पता नहीं क्यों लेकिन चेरी बायोम में कुछ कम ज़ॉम्बीज है क्या, मतलब कि देखना बहुत दूर दूर तक कोई देख नहीं रहा है। ये बस अब ये क्रीपर मत देख ले, देख लिया क्या? आ जाओ अब ना मुझे एक ही चीज दिख रही है और वो है भागना। बस हवा निकल गई। ऑल राइट, तो मैं अपने बेस पर पहुंच गया हूँ और जल्दी से सो जा यार, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे थे मेरे पीछे। मैं चाहता तो इस ज़ॉम्बीज को ना इजिली मार सकता था लेकिन पता नहीं क्यों मैं भागा। और यार लिन को देखती नहीं क्या, कितना मस्त क्रीट मारने में मजा आता है। अरे यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पूरे दिन मैंने लकड़ियाँ काटी और मेरा हंगर बार देखो एक बार, मैं बिल्कुल खाना नहीं खाया। खाना क्या कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ लकड़ियाँ ही काटी है। कंप्लीट 4 स्टेक्स तो लकड़ियाँ नहीं मिली है लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही मिल चुके। और मेरे पास ना ये सैपलिंग्स है चेरी बायोम की, तो जल्दी से ना यहाँ पे इधर उधर ना ये चेरी बायोम भी लगा देते। बस आई थिंक इतने बहुत है। मेरे पास वूल थी आई थिंक, यस परफेक्ट 3 वूल है। और इस 3 वूल से ना एक बेड भी बना ले, थोड़ी देर में इसे वापस कौन आएगा। मुझे जितने भी सैपलिंग्स मिलेंगे ना इन सारे सैपलिंग्स को मैं इधर पे लगाने वाला हूँ, मतलब कि जितने पेड़ काटेंगे इतने वापस से लगाने तो पड़ेगा, वरना ये प्यारी माइनक्राफ्ट प्यारी नहीं रहेगी। चलो यहाँ पे हमारा खाना वाना कुक हो गया है, अब ना मैं इस वाली डायरेक्शन पे चलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा जंगल है। ओके, सबसे पहले इसको आई थिंक ओक लॉक कहते हैं ना, मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं, यस ओक लॉक ही बोलते। कल मैंने बहुत ज्यादा देर लगा दी थी लेकिन आज ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। एक सेकंड, रात होने वाली है, इससे पहले कि ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाए मैं जल्दी से सो जाता हूँ। मेरे पास 5 स्टोन की एक्स थी, मैंने सारी की सारी एक्स को तोड़ दिया, इतने ज्यादा पेड़ काट लिए है, मैं पक्का नर्क में जाने वाला हूँ। इतने पेड़ कौन काटते है यार, लकड़ियाँ काटने आया था लेकिन ज़ॉम्बी मारने में लगा हूँ। अरे लग जा, आधी हेल्थ हो गई मेरी, कहाँ जा रहे हो? चलिए भी गया भाई, ये होता है बिग ब्रेन। देखो इन सबको आपस में लड़वा दिया, लड़ो यार आपस में लड़ो, मेरे साथ लड़के क्या कर लोगे, तुम दोनों नहीं लड़ रहे क्या, आपस में लड़ो यार। ये अच्छी स्केलेटन थी ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपस में लड़ लड़के ही मर जाएंगे। इस जंगल में सिर्फ ये 2 टाइप के ही पेड़ है क्या, और नए पेड़ नहीं मिल रहे कहीं भी। काले कलर की लकड़ी रहती है ना ये मुझे चाहिए क्योंकि वो ना मस्त लगती है। भाई मैंने 14 मशरूम कलेक्ट कर लिया, पता नहीं इसका क्या काम रहेगा, मतलब कि अपने साथ रहेगा ना तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, और मैं इसी वाली लकड़ी की बात कर रहा था। चलो जल्दी से तोड़ो इन सबको। एक सेकंड, मैं अपना बेड पीछे ही छोड़ आया यार। सो हेलो, आ गए क्या? देखो भाई बहुत सारी लकड़ियां मैंने काट ली है लेकिन बीच में ना एक छोटा सा हादसा हो गया जिसको शायद से होना नहीं चाहिए था। सीन ऐसा हुआ कि मुझे जंगल को बीचों बीच एक लावा पूल मिल गया था, तो मैं इसमें तो मेरी इन्वेंटरी के जितना कूड़ा था ना इसको मैं ऐसे डाल रहा था
लेकिन मैंने पता नहीं क्यों लेकिन गलती से अपनी डायमंड की एक्स को डाल दिया है लावा में। मतलब समझ रहे हो ना कौन से लेवल के नशे कर रखे थे। वैसे भाई बहुत ज्यादा पाप कर लिया है मैंने पेड़ों को काट काट के, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पुण्य भी कमा लिया जाए ऐसे सैपलिंग को इधर पे बो बो के, जिससे कि इधर पे नए पेड़ उगे और हम इसको फिर से काट के पाप कर पाए। बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया है, अब थोड़ा सा खाना वाना खिला दो यार, बंदे से नखरा काम ही करवाओगे क्या। और यहाँ से पानी उठा के ये भाई साहब अब बारी है हमारे मेन काम मतलब कि बिल्डिंग चालू करने की। अब बारी है एक नेदर पोर्टल बनाने की, और नेदर पोर्टल बनाने के लिए मुझे एक चाहिए होगी डायमंड की पिकेज, और मेरे पास 4 डायमंड है। अब इसके बाद सिर्फ मेरे पास एक ही डायमंड बचने वाला है। ओ एमएलजी प्रो, ये बिल्डिंग करते करते ना मैं एमएलजी में प्रो हो गया हूँ। ओ वह मुझे खींच रही है। ओ गोल्डन कैरेट के तो अपने पास बहुत ज्यादा है, एक फ्लिंट एंड स्टील जिसकी मुझे जरूरत है, और एक फायर बॉल, और एक गोल्डन के शूज। और जल्दी से चलो ऊपर। ऑब्सीडियन को माइन करने में कितना टाइम लगता है, और उसमें भी पानी के अंदर माइन करना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ये मैंने बना लिए 3 गेट, अब मैं इजीली उन सब ऑब्सीडियन को माइन करने वाला हूँ। अब कुछ भी बोलो लेकिन अपना घर शेडर के साथ भी बढ़िया लगता है और शेडर के बिना भी बढ़िया लगता है, और ये मैंने इसलिए खुला रखा है क्योंकि मैं इजीली अंदर बाहर आ जाऊँ। ताबड़तोड़ पूरे 8 घंटे तक माइनिंग करने के बाद मुझे मिले हैं सिर्फ 13 ऑब्सीडियंस। आई थिंक मैंने सही बनाया है। रुको रुको, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील जो मुझे वो रूइंग पोर्टल से ही मिला था। प्लीज काम कर जाए, ये मत बोलना कि 3x3 का करना पड़ता है। मेरे पास अभी भी 3 ऑब्सीडियंस बच गए यार, ये से डाल दूं क्या।